तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 1991 में आने वाली 10 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में, और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1991 में किस फिल्म को मिले थे सबसे ज़्यादा नंबर और किस फिल्म के साथ हुई थी नाइंसाफी। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्यार का देवता मूवी के बारे में। साल 1991 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित इसमें अहम किरदार में नजर आई थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,75,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.5 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में सुर्खियां नरकियां। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर इसमें अहम किरदार में थे। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,50,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,80,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में सपनों का मंदिर। 2 अगस्त साल 1991 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, जयपर्दा, कादर खान इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,50,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में त्रिनेत्र। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, सोनम इसमें अहम किरदार में थी। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और फिल्म एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में खून का कर्ज। ये मूवी 1 मार्च साल 1991 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे विनोद खन्ना, रजनीकांत, डिंपल कवाड़िया, संजय दत्त इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी प्रतिज्ञा पत्र। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, सुनील दत्त, नीलम इसमें अहम केदार में थी। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,20,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में फरिश्ते। ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 फरवरी साल 1991 में। इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, श्रीदेवी इसमें अहम किरदार में नजर आई थी। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ से
कम का कलेक्शन क्या था, और ये फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में प्यार हुआ चोरी चोरी, इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,60,00,000 रुपए कमाई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में रणभूमि, 16 अगस्त साल 1991 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 3,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,50,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4,50,00,000 से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में शिकारी, इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, सोनम नसरुद्दीन शाह इसमें अहम किरदार में थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 2,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,80,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में दो मत वाले, इसमें हमें नजर आए थे संजय दत्त, चक्की पांडे, सोनम इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 3 मई साल 1991 में और इस मूवी का बजट तकरीबन 2,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,50,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और फिल्म एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो दोस्तों इन सभी मूवियों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल